Hello friends, I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy, and today we'll discuss about class 10th history lesson 2, that is nationalism in India. और ये इस चैप्टर का फिफ्थ पार्ट है जिसमें हम लोग समझेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बहुत डिटेल में. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले एक डांडी मार्च हुआ था, है ना. तो डांडी मार्च जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, और सिविल डिसओबीडियंस से तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है ना. तो डांडी मार्च जैसे ही खत्म हो वैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है. तो चलिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं. तो यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पहले डांडी मार्च हुआ था, और वो कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देता हूं. तो देखिएगा यहां पर हुआ क्या था कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिएगा, ठीक है. लास्ट क्लास में क्या मैंने बताया था आपको कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ था लाहौर सेशन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1929 में. उसके बाद में नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, है ना. तो पूरा जो माहौल था वो बहुत ही एक्साइटेड था, और इसीलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि हमें एक नेशन वाइड एक बहुत बड़ा मूवमेंट क्या करना है, स्टार्ट करना है. तो उसी 26 जनवरी में आप 5 दिन और ऐड कर लेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 31st of January 1930. तो ये 31 जनवरी 1930 को क्या होता है मैं उसको बताता हूं. लेकिन उससे पहले क्या होता है ना, गांधी जी एक दिन क्या होता है कि वो उनका जो साबरमती आश्रम है वो तो गुजरात में है ना, गुजरात जो है वो अरेबियन सी के बहुत पास में है, कोस्टल स्टेट है वो. तो एक दिन वो अरेबियन सी के पास में बैठे थे, तो अचानक से उन्हें लगता है कि क्यों ना जो अरेबियन सी इसी मतलब समुद्र से क्या बनता है, नमक बनता है ना, उसके पानी को आप बॉइल कर दोगे तो नमक बन जाएगा, तो क्यों ना इस नमक की ताकत के ब्रिटिश की सत्ता को हिलाया जाए. तो इसीलिए वो ऐसा जो मास्टर पीस उनको मिल जाता है कि नमक को लेकर एक बहुत बड़ा सत्याग्रह किया जाए. और इसीलिए वो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें 11 डिमांड्स होता है, जिसमें पीजेंट्स के लिए भी होता है कुछ चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी होती है, कुछ चीजें वर्कर्स के लिए भी होता है. लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो सॉल्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स है उसको खत्म किया जाए. उसे इसलिए सॉल्ट के टैक्स को खत्म करने के लिए बोला जा रहा था क्योंकि सॉल्ट ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि अमीर भी यूज करते हैं और गरीब भी यूज करते हैं, और ये सभी वर्ग सभी समुदाय के द्वारा ये जो है खाने में यूज होता है. तो इसीलिए सॉल्ट के ऊपर टैक्स को उतना जस्टिफाई गांधी जी नहीं समझते थे कि लगाना चाहिए. और उस समय बता देता हूं कि 60 से 70% टैक्स लगाया जाता था सॉल्ट के ऊपर में, नमक के ऊपर में, है ना. तो इसीलिए गांधी जी ने ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट इसमें था कि सॉल्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स को क्या किया जाए, खत्म किया जाए. तो यहां से हमारा जो पूरा स्टोरी स्टार्ट होता है, कहां से, 31 जनवरी को गांधी जी जो है ना वो कितना डिमांड करते हैं, 11 डिमांड्स, ठीक है. गांधी जी हैज डिमांड 11 डिमांड्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स को हटाना, ठीक. उसके बाद में यहां पर जो है किससे करते हैं ये डिमांड, लॉर्ड इरविन से, लॉर्ड इरविन, ठीक है. अब आप पूछोगे कि ये लॉर्ड इरविन कौन है, तो लॉर्ड इरविन कौन थे, लॉर्ड इरविन है उस समय ब्रिटिश इंडिया के वॉइस रॉय. अब ये वॉइस रॉय क्या होता है, तो वॉइस रॉय जो इंडिया में ब्रिटिशर्स की तरफ जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे ना, जो सबसे बड़े पोस्ट पे होंगे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वॉइस रॉय कहते हैं. ये डायरेक्टली जो ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उस समय ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, है ना. तो लॉर्ड इरविन क्या थे, वॉइस रॉय थे. तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 31 जनवरी को गांधी जी ने 11 डिमांड्स भेजा लॉर्ड इरविन को. जैसे ही लॉर्ड इरविन को वो पूरा 11 डिमांड्स मिला तो लॉर्ड इरविन हंसने लगे, है ना. वो पूरे 11 डिमांड्स को देखकर हंसने लगे कि ये गांधी जी क्या पागल तो नहीं हो चुके हैं कि सॉल्ट को लेकर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, है ना. तो वो बहुत हल्के में लिए, बट ऑन दी कॉन्ट्री अदर साइड जो है वो गांधी जी बहुत ज्यादा सीरियस थे, बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, क्योंकि इस बार वो ब्रिटिशर्स को वाकई में
सबक सिखाना चाहते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने ये जो लॉर्ड इरविन एंड कंपनी को कितने दिनों का समय दिया, 31 मार्च से 11 मार्च तक का समय दिया था गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को कि अगर आप 11 मार्च तक हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसके बाद हम एक ऐसा फुल फ्लेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे कि आपकी पूरी सत्ता जो है वो हिल जाएगी। लेकिन लॉर्ड इरविन अदर साइड बहुत लाइटली ले रहे थे चीजों को, वो समझ रहे थे कि तुमको जो करना है वो करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो है वो 11 मार्च तक गांधी जी ने वेट किया, लेकिन 11 मार्च तक 11 डिमांड तो क्या, एक डिमांड भी है जो लॉर्ड इरविन की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इसीलिए गांधी जी ने अल्टीमेटली एक बहुत 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 फेमस मार्च निकाला 12 मार्च 1930 को। ओके, दिस इज व्हाट 31 जनवरी 1930, हम लोग 1930 की बात कर रहे हैं ना, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने 11 डिमांड भेजा और उसको उनको टाइम दिया था 11 मार्च तक का। और उसके बाद में 12 मार्च याद रखिएगा 1930 है ना, ये भी भाई 1930 है, ठीक है, 31 जनवरी 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है वो स्टार्ट करते हैं, है ना, गांधी जी क्या स्टार्ट करेंगे, दांडी मार्च। ठीक, बहुत ही फेमस ये दांडी मार्च था, दांडी मार्च। अब ये दांडी मार्च को ना सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि दांडी मार्च क्यों किया गया था, सॉल्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स को हटाने के लिए ये दांडी मार्च किया गया था। तो क्या कहते हैं दांडी मार्च को, और दांडी मार्च को हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो दांडी मार्च बहुत ही फेमस है, एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में आता ही है ना, तो बहुत ध्यान से ये टॉपिक समझिएगा। ठीक, तो ये जो दांडी मार्च स्टार्ट कहां से होता है, देखिएगा ये स्टार्ट, अभी आप जो है अपने घर से स्टार्ट करोगे ना, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, जहां गांधी जी रहते थे गुजरात में साबरमती आश्रम। ठीक, तो ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है, साबरमती आश्रम। ओके, साबरमती आश्रम से जो है ये स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट होता है। और इनका जो टारगेट पॉइंट है ना, कहां पर इनको खत्म करना है, ये एंड पॉइंट क्या है इसका, इस पूरे मार्च का एंड पॉइंट है दांडी। क्या है एंड पॉइंट, दांडी। अब ये पूछोगे दांडी क्या है, तो दांडी एक विलेज का नाम है जो कि अरेबियन सी से लगा हुआ है। ठीक है, सो दांडी इज अ स्मॉल विलेज इन गुजरात विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द अरेबियन सी। तो ये हो गया आपका दांडी। तो स्टार्ट कहां से होगा, साबरमती आश्रम से, जाना कहां है दांडी। और इन दोनों प्लेस का जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस बोलेंगे उसे, इन दोनों प्लेस का जो डिस्टेंस है वो है 240 माइल्स। कितना है, 240 माइल्स। देखिए कई बार जो बच्चे हैं ना वो माइल्स की जगह किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो जो यूनिट है उसमें आपको स्पेशल ध्यान देना है दैट 240 माइल्स जो है वो किलोमीटर आपको नहीं लिखना है ना, 240 माइल्स ही आपको लिखना है, अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसे कंप्लीट करने में कितना समय लगा था, कितने दिन लगे थे। तो याद रखिएगा, दिस 240 माइल्स वर कंप्लीटेड इन 24 डेज, है ना, ये जो 240 माइल्स को कंप्लीट करने में कितने समय लगे थे, 24 दिनों का समय लगा था। तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस 240 माइल्स वर कंप्लीटेड इन 24 डेज। ओके, दिस 240 माइल्स वर कंप्लीटेड इन 24 डेज, है ना। अब सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 240 माइल्स कवर किए हैं, 24 दिन का टोटल समय लगा है, तो ये कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट कब होगा, आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 मार्च में 24 दिन जोड़ दीजिए तो कितना आएगा डेट, 6th of April। ठीक है, तो ये जो दांडी में कहां कब पहुंचे थे, 6th of April। ओके, 6th of April को जो है 1930, है ना, 6th of April 1930 को जो है वो पहुंच गए थे, कौन, गांधी जी अपने पूरे सहयोगियों के साथ में। अब ये सहयोगियों से याद आया मुझे कि जब गांधी जी ने स्टार्ट किया था तो उनके साथ में कुछ वॉलंटियर्स भी थे, है ना, तो जिनकी टोटल संख्या थी 78 वॉलंटियर्स। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं, गांधी जी हैज स्टार्टेड फ्रॉम हिज आश्रम विद 78 वॉलंटियर्स, है ना, 78 वॉलंटियर्स।
अब ये जो 78 वॉलंटियर्स थे वो चलने में बहुत तेज थे, क्योंकि गांधी जी आपको पता है कि बहुत तेज चलते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से चलते हैं। अगर गांधी जी की स्पीड को आपको मैच करना है तो लिटरली आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सभी चीजें जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। और जब ये पूरा गांधी जी का जो पूरा रैली, जो मार्च, जो यू नो पूरा निकल रहा था ना, तो वो एक सफेद नदी की तरह दिख रहा था, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने कौन से कपड़े पहने थे, सफेद रंग के कपड़े पहने थे, इसलिए वो एक सफेद नदी की तरह पूरा दिख रहा था। ठीक, अब फाइनली जो है वो 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए, है ना। और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचने के बाद में एक सेरेमोनियल तरीके से जो है यू नो वहां पर अरेबियन सी में पहुंचकर जो पानी होता है ना, समुद्र का खारा पानी होता है, उसे उबालकर क्या बनाया गया, नमक बनाया गया। और नमक के ऊपर लगने वाले जो कानून था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बना सकते हैं, उसको तोड़ दिया। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद में जैसे ही यू नो गांधी जी ने इसे तोड़ा, वैसे ही क्या स्टार्ट हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को आप बहुत अच्छे से अगर बाइफरकेट करेंगे ना, तो सिविल मतलब क्या होता है, सिटीजन, जो आम नागरिक हैं। डिसओबीडियंस मतलब क्या होता है कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हम आपके इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेंगे, हम आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे। एंड मूवमेंट मतलब आप समझते हैं आंदोलन, है ना। तो ये एक ऐसा आंदोलन होगा जिसमें ना तो हम ब्रिटिशर्स को कुछ सपोर्ट करेंगे और ना तो हम उनके रूल्स और रेगुलेशंस को मानेंगे, बल्कि ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसमें कुछ और एडिशनल यू नो पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब गांधी जी ये पूरा मार्च कंडक्ट कर रहे थे ना, तो वो भाई अब आराम करने के लिए रुकेंगे भी, तो जब वो रुकते थे रेस्ट करने के लिए, तो वो लोगों को समझाते भी थे कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये डांडी मार्च हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना। डांडी मार्च कंप्लीट होने के बाद में हम लोग कौन सा मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रॉपर ट्रेनिंग भी जो है वो गांधी जी लोगों को देते जा रहे थे। तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए भी, लोगों को जागरूक करने के लिए भी, कि किस ये इस मूवमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम नंबर पे कैसे पॉसिबल हो सके, है ना। तो ये आपका पूरा डांडी मार्च का एक केस स्टडी है। एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जब गांधी जी वो पूरा रैली अपना कंडक्ट कर रहे थे, तो वो जो है ना, एक बोला चाहिए, लोग उनको फूल और मालाओं से भी बहुत ज्यादा मतलब स्वागत कर रहे थे कि मानो कोई भगवान आ रहे हैं ना, भगवान राम जो है वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है उनका यह भगवान की तरह स्वागत किया जाता था। एक एक बहुत ही जबरदस्त जो था वो यू नो मूवमेंट था ये। और इस मूवमेंट ने, इस मार्च ने लोगों के मन में आशा की एक नई किरण जो है वो पैदा जरूर कर दी थी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहां देखिए, जैसे ही ये डांडी मार्च कंप्लीट होता है, वैसे ही क्या स्टार्ट होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए, एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था वो बेसिकली दो फेस में हुआ था। ठीक है, इट हैपेंड इन टू फेसेस। तो ये जो पहला फेज हुआ था वो हुआ था यू नो अप्रैल, तो ये अप्रैल में खत्म हुआ है, तो अप्रैल 1930 टू मार्च 1931, ओके। एंड द सेकेंड फेज विल बी फ्रॉम 1932 टू 1934। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यू नो बोथ फेजेस वर अनसक्सेसफुल, है ना। ये दोनों जो फेज था, अप्रैल 1930 टू मार्च 1931 और 1932 टू 1934, ये दोनों का दोनों जो था वो अनसक्सेसफुल था। अब ये क्यों अनसक्सेसफुल था, ये हम यू नो बहुत अच्छे से डिटेल में जो है वो समझेंगे। तो मैंने रिजल्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है और हम समझेंगे कि ये रिजल्ट तक यू नो जो है वो हम पहुंचेंगे कैसे, क्या क्या चीजें, क्या क्या इवेंट जो थी वो हुई थी जिसकी वजह से ये पूरा जो मूवमेंट था वो अनसक्सेसफुल रहा था, है ना। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो लोगों का कैसे यू नो एक्शन था। ठीक है, अब जैसे लोगों का एक्शन हम लोग समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का उसके अपोजिट में कैसा रिएक्शन होगा, है ना। तो ये पहला जो फेज समझते हैं,
अप्रैल 1930 टू यू नो मार्च 31, तो इसमें लोग जो थे वो बहुत ही एक्टिव तरीके से यू नो पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें जो है यू नो एक चीज बहुत अच्छे से हमको समझना है कि पहला ये है कि लोगों ने यू नो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, लॉ ब्रोकन एंड सॉल्ट मेड, है ना। सॉल्ट जो है वो पूरा बनाया गया थ्रू आउट कंट्री, ओके। लॉ को ब्रेक किया गया और जो सॉल्ट है उसको थ्रू आउट कंट्री जो है वो बहुत से जगहों पर क्या किया गया, बनाया गया, है ना। दूसरा ये है कि लॉ को तोड़ा गया, तो किस तरीके का लॉ को तोड़ा गया, तो इसे भी हम समझते हैं। एक तो है कि सॉल्ट के ऊपर लगने वाले लॉ को जो है वो तोड़ा गया कि सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स बना सकते हैं, लेकिन अब जो है वो भारतीय भी हर जगह पर जो है वो सॉल्ट को बना रहे हैं। तो एक तो सॉल्ट यहाँ पर पहले पॉइंट में हमने सॉल्ट लॉ को हमने यहाँ पर समझ लिया है कि कैसे उसे तोड़ा जा रहा है। दूसरा समझिएगा कि जो पीजेंट्स थे ना, पीजेंट्स, ठीक है, तो जो पीजेंट्स हैं उन्होंने भी जो रेवेन्यू है, जो चौकीदारी टैक्स है, उसको देने से मना कर दिया, ओके। सो रेवेन्यू एंड यू नो चौकीदारी टैक्स को पीजेंट्स ने देना क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई किया, क्योंकि पीजेंट्स ने कहा कि हम तो आपको अपना गवर्नमेंट मानते नहीं है, तो हम आपको टैक्स क्यों पे करें। अब यहाँ कुछ बच्चे पूछते हैं कि चौकीदारी टैक्स होता क्या है, तो चौकीदारी टैक्स नाम से बहुत क्लियर है, चौकीदार मतलब कुछ गार्ड रखेंगे, है ना। तो ब्रिटिशर्स अननेसेसरी ना चाहते हुए भी कुछ गार्ड की फैसिलिटी देते थे पीजेंट्स को, और उसके रिटर्न में बहुत ज्यादा हैवी टैक्स वसूलते थे, है ना, पीजेंट्स से। और ये जो गार्ड होते थे ना, जो चौकीदार होते थे, वो कुछ सुरक्षा नहीं करते थे, बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए जासूसी का काम किया करते थे, ठीक है। तो इसलिए जो चौकीदारी टैक्स था वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टैक्स था, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद में जो ट्राइबल्स थे, है ना, ट्राइबल्स, ओके, तो ट्राइबल्स भी है ना, वो भी बोले कि भाई आप तो हमारे, हम तो आपको गवर्नमेंट अपना मानते नहीं है, तो हम आपका लॉ को क्यों माने। तो इसीलिए ट्राइबल्स ने भी क्या कर दिया, फॉरेस्ट जो लॉ होते थे ना, फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, तो उसको मानने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। सो फॉरेस्ट लॉ हैज बीन डिनाइड बाय द यू नो और ट्राइबल्स, है ना। तो ये फॉरेस्ट लॉ आपको पता होगा, क्लास नाइन्थ में जब आपने पढ़ा होगा, तो फॉरेस्ट लॉ ब्रिटिशर्स बना दिया करते थे, है ना। उसके बाद में जो यू नो बेचारे आदिवासी होते थे, उनको यू नो जंगल से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनको क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था बाहर, है ना। अब बताओ कि ट्राइबल्स का तो घर ही है जंगल, अब उनको बाहर निकाल दिया जाएगा तो उनको कैसा लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, फॉरेस्ट लॉ को मानने से इनकार कर दिया, और अपने जो यू नो जो अपने एनिमल्स वगैरह होते थे उनको ले जाकर वहां पर ग्रेजिंग कराते थे, और उसके साथ में जो फॉरेस्ट वुड्स होते थे ना, उन सभी को यूज भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यू नो द फॉरेन गुड्स को बहुत यू नो बहुत बड़े यू नो क्वांटिटी में क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया और जला भी दिया गया, ठीक है। तो फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड एंड बॉयकॉटेड, और इसके साथ में जो है ना जो लीकर शॉप्स होते थे, लीकर शॉप्स मतलब कि शराब की दुकानें, ठीक है, तो लीकर शॉप्स को भी यू नो बंद कराने की कोशिश की गई, ठीक। लीकर शॉप्स को भी, लीकर शॉप्स और पिकेटेड मतलब क्या होता है कि लीकर शॉप्स को भी बंद कराने की कोशिश की गई। अगर कोई शराब की दुकान बंद नहीं कर रहा था तो फिर उनके ऊपर में पथराव भी हो जाता था, है ना, स्टोन पेंटिंग भी हो जाता था, तो इस तरीके का है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी हम लोग मिस कर रहे हैं, वो क्या है कि इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ना जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था वो बहुत 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 ज्यादा एक्टिव था, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे लिख देता हूं, वुमेन पार्टिसिपेशन वाज वेरी वेरी हाई, है ना। तो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था, वुमेन वर वेरी वेरी एक्टिव ड्यूरिंग यू नो दिस पर्टिकुलर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें जो है ना एक और क्वेश्चन आता है, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है ना और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक। तो एक तो डिफरेंस मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि वुमेन वाला जो पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वुमेन जो थी ना वो पैसिव थी, मतलब उतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी वो, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो वुमेन है ना वो बहुत 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 ज्यादा जो है वो एक्टिव रहेंगे इसमें, ठीक है।
उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो दो फेज में था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिर्फ एक फेज में हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो टाइमिंग है वो 1930 टू 1934 है, अगर आप दोनों को मिला दोगे तो। ठीक, नॉन कोऑपरेशन का मूवमेंट क्या है 1921 टू 1922, है ना। तो तीन डिफरेंस तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, जो कि बहुत इजी है, उसको हम लोग और समझेंगे कि क्या उसमें यू नो वो कैसे बंद होगा, ये कैसे बंद होगा, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो चुके हैं। अब उसके बाद में देखिए ये हो गया एक्शन। एक्शन क्या कि यू नो जो हमने लिया एक्शन, अब इसका रिएक्शन क्या होगा तो वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक्शन और उसका रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शन भी देखते हैं। तो रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ, कहा यही मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्रिटिशर्स ने क्या रिएक्शन लिया इस पूरे यू नो चीजों को देखकर। तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई जो यू नो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है ना, तो ब्रिटिशर्स के पास में तो पावर ऑफ पुलिस है, तो वो तो लोगों को क्या करेगी, थोक में क्या करेगी, अरेस्ट करेगी, है ना। तो चलिए समझते हैं व्हाट विल बी द रिएक्शन बाय द ब्रिटिशर्स, है ना। सो रिएक्शन यहां पर मैं आपको समझाता हूं, रिएक्शन बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। एक नंबर ऐसा आता है कि लगभग 1,00,000 लोगों को जो है वो यू नो जेल में डाल दिया गया था ड्यूरिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े यू नो लीडर भी थे, जैसे कि अप्रैल 1930 में, जैसे ये स्टार्ट होता है अप्रैल 1930 में, जो एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, है ना, अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया इन 1930। अब्दुल गफ्फार खान जो है वो गांधी जी के बहुत बड़े डिसाइपल थे, फॉलोवर थे, है ना, और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी, और इन्होंने यू नो खुदाई खेत पर गांधी बनाया था, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, है ना। तो अब्दुल गफ्फार खान इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, अब उसके बाद में जो है मई जो है 1930 में, ठीक मई 1930 में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, है ना, गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। ठीक, दोनों को जो है वो बड़े बड़े लीडर्स को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। उसके बाद में जो वुमेन थी, जो यू नो और भी पार्टिसिपेंट्स थे, अगर वो ब्रेक करते थे लॉ को तो उनके खिलाफ यू नो बहुत ज्यादा वायलेंस का यूज करती थी ब्रिटिश यू नो सरकार, उनके खिलाफ मारपीट करती थी, है ना, यू नो और उनको जो है वो जेलों में डाल दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके का जो है वो पूरा रिस्पॉन्स किनके तरफ से रहा, यू नो ब्रिटिशर्स की तरफ से रहा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये तो हमने बहुत अच्छे से जो है वो समझ लिया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो पूरा मूवमेंट है ना, वो ये वाला फेस मैं बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट फेस है अप्रैल 1930 से मार्च 1931 तक चला था, ये आखिर रुका क्यों था। ठीक है, तो उस समय जो थे ना कुछ मिडिल मैन थे, जैसे कि M.R. जैकर वगैरह जो हिंदू महासभा को बिलोंग करते थे, तो वो क्या थे ना कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी बात करते थे और वो ब्रिटिश सरकार से भी बात करते थे। तो इन्हीं कुछ मीडिएटर्स की वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ, और जैसे ही कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ, है ना, इतने बड़े मूवमेंट को देखकर ब्रिटिश सरकार भी क्या हो गई थी, थोड़ी सी हिल गई थी, है ना। तो उस समय के जो वॉइस रॉय रहते हैं लॉर्ड इरविन, वो गांधी जी को प्रपोजल देते हैं कि गांधी जी अगर आप ये पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करते हैं, है ना, स्टॉप करते हैं, तो हम आपके जो डिमांड्स हैं उसको सुनेंगे भी, और जितने भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, है ना, लगभग यू नो हजारों लाखों लोगों को उन्होंने अंदर कर दिया था, तो उन सभी को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा जेल से। तो इस तरीके का प्रपोजल देते हैं, है ना। अब गांधी जी ये सभी चीजों को सुनते हैं, तो गांधी जी देखिए पहला बात तो ये है कि उनके बड़े बड़े लीडर्स कहाँ हैं, जेल के अंदर हैं, और दूसरा चीज ये है कि कुछ कुछ जगहों पर, जो भारत के कुछ कुछ जगहों पर कुछ वॉयलेंट केसेस भी देखने को मिल रहे थे, जैसे कि कुछ पीजेंट्स वगैरह हैं, है ना, जो कि बहुत गरीब हैं, जिनके पास में बहुत सी मजबूरियां हैं, उनके पास में यू नो पैसा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो वो कई बार क्या करते थे, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, तो उनके घरों में जाकर अटैक कर देते थे, और उनके जो पूरे
खाने पीने का सामान है उसको लाकर आपस में बांट लेते थे। तो इस तरीके का कुछ वॉयलेंस भी देखने को मिलता था कुछ कुछ जगहों पर, है ना। कहीं कहीं पर जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक भी कर देते थे। तो ऐसे छोटे मोटे जो घटनाएं देखने को मिल रही थी, इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। और इरविन जो लॉर्ड इरविन है जो कि वॉइस रॉय थे उस समय के, तो उनका प्रपोजल को गांधी जी क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप बताइए कि एक्सेप्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था जो प्रपोजल लॉर्ड इरविन ने दिया, और जैसा सर्कमस्टांसेस उस समय था, सिचुएशन था, है ना। तो उस समय गांधी जी का दिया हुआ डिसीजन, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का डिसीजन सही था कि गलत था, ये बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ओके। उसके बाद में ये जो एग्रीमेंट हुआ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, उसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। और ये हुआ था 5th of March 1931 को, ठीक 5th of March 1931 को, ये जो है 5th of March 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, है ना। और इसी गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये फर्स्ट फेज होता है ना, ये जो फर्स्ट फेज है उसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। कौन से पैक्ट से? गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से। अब इतना तो समझ लिए। अब ये गांधी इरविन पैक्ट में ना कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिससे मैं बताना चाहूंगा। अब इस पैक्ट के माध्यम से गांधी जी को पूरा डिस्कशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए लंदन जाना पड़ेगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मैंने बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो डिस्कशन है वो क्यों होता है, कि हम जो कैसा पॉलिटिकल हमें सिचुएशन चाहिए भारत में फ्यूचर में, और कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है वो कंडक्शन होता है लंदन में। तो अब इस गांधी इरविन पैक्ट के बाद में एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाएगा जो फर्स्ट फेज है वो, और दूसरा गांधी जी कहां जाएंगे, लंदन जाएंगे, क्या अटेंड करने के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। कौन सा नंबर का? सेकेंड नंबर का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएंगे। अब उसके बाद में ये जो पूरा स्पेस है वो कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं रब कर देता हूं, और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है ना। गांधी जी जो है वो मेजर अचीवमेंट के साथ में आते हैं कि खाली हाथ आते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजों को हम देखेंगे, और उसके बाद में और एक चीज आपको बताऊंगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज थी, है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटीज थी, वो कैसे इसमें रिस्पॉन्स करते हैं पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ओके। सो लेट्स रब द बोर्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि गांधी जी जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन गए हुए हैं, है ना। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या वो पूरा मीटिंग जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो सक्सेसफुल रहेगा कि अनसक्सेसफुल रहेगा। तो इसका आंसर है द मीटिंग विल बी अनसक्सेसफुल, है ना। अब ये क्यों होता है अनसक्सेसफुल मैं बताता हूं, क्योंकि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी का डिमांड था कि हमें जो है वो डिफेंस का कंट्रोल चाहिए, हमें फॉरेन रिलेशन का कंट्रोल चाहिए, हमें इकोनॉमिक अफेयर्स का कंट्रोल चाहिए, बट जो बाकी सेगमेंट है सोसाइटी के वो उनमें और गांधी जी में एक बात को लेकर विवाद हो गया, जिसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना। पहले तो सिर्फ मुस्लिम लीग ही सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करती थी, अब जो डिप्रेस्ड क्लास है जैसे कि दलित्स हैं, है ना, वो भी जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करने लगे, जिसकी वजह से गांधी जी और इनमें जो है वो थोड़ा सा विवाद हो गया, जिसकी वजह से ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, मैं तो कहूंगा बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना। और गांधी जी वापस आते हैं भारत में बिना किसी मेजर अचीवमेंट के, और जब गांधी जी वापस आते हैं भारत, तो वो देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो बैन कर दिया गया है, बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह को क्या कर दिया गया है, अरेस्ट कर दिया गया है, है ना। तो गांधी जी देख के जो है वो बहुत उनको दुख होता है, और बहुत उनको क्रोध भी आता है, ही वॉज वेरी एंग्री ऑन द ब्रिटिशर्स, और इसीलिए वो फिर से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं 1932 में। लेकिन इस बार जो है वो लोग उतने एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दो साल बाद 1934 में फाइनली जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी जो फाइनली जो है वो ये अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो
खत्म होता है ना, तो सिविल दिस सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस दैट इज 1932 to 1934 एंडेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यू नो सपोर्ट फ्रॉम द पीपल. जो फर्स्ट फेज था जो कि 1930 से 31 तक चला था वो क्यों बंद हुआ था, बिकॉज ऑफ गांधी इरविन पैक्ट है ना. तो ये आपको बहुत अच्छे से आई होप की समझ में आ गया होगा. एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो यू नो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ था वो किस लिए बंद हुआ था, वो हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से है ना. एक वायलेंस की तरफ पूरी मूवमेंट जो है वो बढ़ गई थी, इसलिए गांधी जी ने उसको बंद कर दिया गया था. जबकि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है तो जो पहला फेज है वो क्यों बंद हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट की वजह से. और जो सेकेंड फेज है वो क्यों बंद हुआ था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम दी पीपल. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंस है बिटवीन दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है. तो इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक. सो आई होप ये पूरा आपको टॉपिक जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का समझ में आया होगा. और चलिए हम समझते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स थे डिफरेंट डिफरेंट यू नो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तो उनका रोल कैसे था इस पूरे मूवमेंट में, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से अब समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, क्या है टॉपिक का नाम, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट. ओके, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट है ना. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट. ओके, इन बोर्ड एग्जामिनेशन. अब देखिएगा कि उस समय भी, अब देखिए समाज में अगर आप बात करेंगे तो भाई एक तो आप किसान की बात करेंगे, ठीक है, एक तो आप वर्कर्स की बात करेंगे, एक तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं उनके ओनर की बात करोगे, है ना, एक तो जैसे ट्राइबल्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है. ओके, एक आप वुमेन की बात करोगे. क्यों वुमेन की बात करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन ने बहुत एक्टिव तरीके से जो है वो पार्टिसिपेशन यू नो किया था, है ना. तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पीजेंट्स के बारे में, ठीक है. तो पीजेंट्स मींस फार्मर्स, लिखते हैं क्या था, है ना. तो पीजेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स, है ना. रिच पीजेंट्स, तो सबसे पहले समझते हैं रिच पीजेंट्स का क्या था, है ना, पूरा सिचुएशन. तो देखिए उस समय जो रिच पीजेंट्स थे, अमीर किसान थे, सबसे पहली बात तो अमीर किसान और गरीब किसान, है ना, दोनों की डिमांड्स एक होगी, कॉन्ट्रास्टिंग होगी. तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि इनका जो डिमांड होगा वो एक होगा कि अलग अलग होगा, है ना. सो प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट मी नो. तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको अमीर जो किसान है, रिच पीजेंट्स है, उनका क्या पूरा सिचुएशन था. वो देखिए ये जो पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना वो 1930 से 1934 तक के पीरियड में चला था, ठीक है, इन टू फेजेस, है ना. और उसी बीच में पूरे दुनिया में एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका था, जिसकी वजह से पूरा डिप्रेशन था, मंदी था पूरा मार्केट में, है ना. और थोड़ी सी एक और बोलते हैं ना कि गरीबी में आटा गिला, मतलब कि उसी समय जो है वो अनाज भी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द बैड हार्वेस्ट. तो जो किसान थे, अमीर किसान थे, उनके पास में उतना ज्यादा प्रोडक्शन था ही नहीं, है ना. और प्रोडक्शन था नहीं तो बिल्कुल प्रॉफिट भी नहीं था उनको. और जो उनके अनाज का कीमत भी बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, कम हो चुका था बिकॉज ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी. इसीलिए जो रिच पीजेंट्स हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट किया कि हम आपको तो हमेशा सपोर्ट करके आए हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना. अब इस डिफिकल्ट टाइम पे आप भी हमारा सपोर्ट करिए और हमसे जो है वो टैक्स कम कलेक्ट करिए, है ना. लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, दोस्ती हमसे करो, हमारे धंधे से नहीं, है ना. तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम जो है बिल्कुल भी अपना टैक्स जो है वो कम नहीं करेंगे, आपको ज्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा. इसलिए जो अमीर फार्मर्स ने, रिच फार्मर्स ने सोचा कि क्यों ना इन ब्रिटिशर्स को ही हटा दिया जाए. और इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया ड्यूरिंग दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना. फिर उसके बाद में आपसे एक मिनट का ब्रेक लूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा कैमरा ऑन है कि नहीं. ओके,
यस माय कैमरा इज ऑन एक्चुअली यू नो लास्ट टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा था और कैमरा ऑन करना भूल गया था सो द कंप्लीट लेक्चर वाज यू नो रिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ दैट सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हाँ मैं कहा था मैं था फार्मर्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे जो रिच यू नो फार्मर्स थे उनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे है ना. तो मैंने बता रहा था कि जो रिच पीजेंट्स है उन्होंने जो ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो टैक्स है उसको कम किया जाए लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी. इसी वजह से उन्होंने जो है वो सोचा कि हम तो हैं बेहतर होगा कि ब्रिटिशर्स की बजाय यू नो कांग्रेस को सपोर्ट करें और ब्रिटिशर्स को भगाया जाए है ना. इसीलिए उन्होंने तन मन धन से जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान. और स्पेशली जो जाट्स है उत्तर प्रदेश के और जो पाटीदार्स है गुजरात के है ना जो कि बहुत अमीर फार्मर्स होते हैं इन्होंने बहुत बढ़कर चढ़कर जो है वो इस पूरे यू नो मूवमेंट में अपना सहयोग दिया था. ठीक है तो ये रहा कहां का रिच पीजेंट्स की बात. ठीक अब उसके बाद हम समझते हैं पुअर पीजेंट्स. ठीक है इसके बाद हम लोग समझेंगे पुअर पीजेंट्स. तो पुअर पीजेंट्स का हम लोग समझते हैं क्या हुआ था एक्चुअली. ठीक है तो देखिए जो गरीब किसान है ना उनका मेन दुश्मन ब्रिटिशर्स नहीं है, है ना. उनका मेन दुश्मन है जो अमीर फार्मर्स हैं जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जो यू नो मनी लैंडर्स हैं वो उनके यू नो बड़े दुश्मन है. क्यों है क्योंकि भाई जो गरीब किसान है वो कई बार उनको यू नो जमीन रेंट पर लेना पड़ता है या फिर कई बार पैसे उधारी यू नो लेना पड़ता है ना. जो कि ये मनी लैंडर्स बिग लैंडलॉर्ड्स बहुत ही हाई प्रीमियम रेट पर देते हैं और यू नो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा कंडीशन अभी चल रहा है. तो इसलिए जो पुअर फार्मर्स ने ये यू नो रिक्वेस्ट किया कांग्रेस से कि हमारा जितना भी रेंट आ रहा है ना रिच फार्मर्स की तरफ उसको सबको क्या कर दिया जाए माफ कर दिया जाए है ना. तो उन्होंने एक क्या यू नो मूवमेंट रन किया नो रेंट मूवमेंट जिसको यू नो कांग्रेस जो है उतना सपोर्ट नहीं करती है. तो ये याद रखिएगा कि इस वजह से मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स का डिमांड सेम होगा कि डिफरेंट होगा. तो आंसर है कि इनका जो डिमांड होगा वो डिफरेंट होगा. पुअर पीजेंट्स किस चीज का डिमांड करेंगे नो रेंट मूवमेंट जो कि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करती है. ठीक है और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा जो गरीब किसान होते हैं उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है इसीलिए कई बार यू नो बिकॉज ऑफ द कंपल्शन मजबूरी में जो है वो वॉयलेंट एक्टिविटीज कर जाते थे क्योंकि उनके पास में ना तो पैसा होता था ना तो अनाज का एक दाना होता था. इसीलिए कई बार वो बाजारों को बड़े बड़े मनी लैंडर्स और यू नो बड़े बड़े यू नो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे मनी लैंडर्स होते थे उनके घरों को अटैक कर देते थे और वहां से अनाज को लाकर आपस में बांटकर खा लेते थे. ठीक है तो इस तरीके से कुछ वॉयलेंट एक्टिविटीज पर में भी पुअर पीजेंट जो है वो इन्वॉल्व रहते थे. सो आई होप ये पीजेंट का जो है वो एंगल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडस्ट्री. ओके इंडस्ट्री हम लोग देखेंगे इसमें भी दो यू नो कैटेगरीज आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं. एक हो जाएंगे ओनर और दूसरे हो जाएंगे वर्कर. ठीक है तो यहां पर यू नो कांग्रेस ने किनका साथ दिया था रिच पीजेंट्स क्योंकि रिच पीजेंट जो है वो फाइनेंशियली भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे पैसा भी देते थे है ना. अब ये बताइए कि यहां पर जो है ओनर एंड वर्कर्स का जो डिमांड है ना वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बहुत आसान है ना आसानी से आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं. ठीक है सो लेट्स सी व्हाट वर द डिमांड ऑफ द ओनर्स एंड व्हाट वर द डिमांड ऑफ द वर्कर्स. ओके तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओनर का जो है वो केस स्टडी देखेंगे. तो देखिए उस समय जो यू नो इंडस्ट्री के मालिक थे उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो विदेशों से सामानें आती थी इंपोर्ट होकर भारत में है ना उसका उसका यू नो क्वालिटी भी बेहतर होता था क्वांटिटी भी यू नो बेहतर होता था क्योंकि वो बहुत ही हाई यू नो टेक्नोलॉजी से बनकर आता था. इसलिए जो लोकल बिजनेसमैन है लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके सामने यू नो बहुत बड़ा यू नो चैलेंज था कि उनको कैसे कॉम्पिटिशन दिया जाए. तो इसीलिए जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश या फिर जो बाहर फॉरेन गुड्स आते हैं उनके इंपोर्ट पर जो है वो बैन लगे उनको यू नो प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम दी इंपोर्टेड गुड्स है ना. तो ये पहला इनका डिमांड था किनका ओनर्स का. दूसरा इनका डिमांड था कि जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगते हैं है ना
उनको जो है वो हटाया जाए। तीसरा इनका डिमांड था जो टैक्सेस वगैरह इनके ऊपर में लगाया जाता है बहुत सारे, उनको भी थोड़ा सा कम किया जाए। और चौथा इनका डिमांड था जो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उसको बिजनेस फ्रेंडली किया जाए। तो ये सभी डिमांड्स थे इनके ओनर्स के। इसी में कुछ नाम बहुत फेमस है, जैसे कि एक है जीडी बिरला, है ना, जीडी बिरला आज भी आप जानते होंगे, बिरला है ना, बहुत बड़े नाम है, ठीक है, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, जैसे कि एक था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, है ना, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस कब किया था, 1920 में। उसके बाद में एक था फिक्की, फिक्की है ना, फिक्की कब आया था, 1927 में। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये कब बना था, 1927 में। और आईआईसीसी कब बना था, 1920 में, है ना। इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया था जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर। सो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। ये जो ओनर थे वो कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, है ना, इन दिस मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, नाउ विल सी अबाउट द वर्कर्स। अब देखिए जो वर्कर्स हैं, है ना, उनको तो भाई बेहतर सैलरी चाहिए, बेहतर वर्किंग कंडीशन चाहिए, है ना, फिक्स्ड वर्किंग आवर चाहिए कि भाई 8 घंटे से ज्यादा हमसे काम ना लिया जाए, और एक ओवरऑल बेहतर लिविंग कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरे डिमांड्स थे वो किनके थे, वर्कर्स के थे, है ना। लेकिन वर्कर्स जो थे उनको कुछ बड़े लीडर सपोर्ट भी करते थे, जैसे कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी जो विचारधारा थी वो एक सोशलिस्ट विचारधारा थी, कम्युनिस्ट विचारधारा थी, मतलब कि एक वर्कर जो है जो पुअर है ना उनको भी समान अधिकार मिले, उनको भी बेहतर वेजेस मिले। तो ये सभी जो विचारधारा थी वो बड़े बड़े लीडर जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की थी, जिसकी वजह से कई बार जो ये ओनर है ना वो टेंशन में आ जाते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना सपोर्ट वर्कर्स को ना देते, क्योंकि अगर वर्कर्स को अपना सपोर्ट देंगे तो इनको इनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा डरते भी थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस है वो किसको अपना साथ दी, है ना, किसको साथ दी, ओनर को। क्यों? क्योंकि ओनर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, और इतने बड़े मूवमेंट को रन करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो इस वजह से आप याद रखिएगा दैट कांग्रेस हैज साइडेड विद द ओनर एंड वर्कर्स हैव नॉट पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, पुअर पीजेंट्स एक चीज याद रखिएगा, वायलेंस और वर्कर्स पैसिव परफॉर्मेंस था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब उसके बाद देखते हैं वुमेन। ओके, तो वुमेन हम लोग यहां पर देखेंगे, वुमेन, तो वुमेन का जो रोल था, है ना, ये अर्बन एरियाज से भी आती थी और रूरल एरियाज से भी आती थी। ओके, अर्बन एरियाज से भी और रूरल एरियाज से भी। तो अर्बन एरियाज में जो अपर कास्ट हिंदूस हैं वो बहुत एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया करती थी, और जो रूरल एरियाज में जो रिच पीजेंट्स है ना उनके फैमिली से जो फीमेल्स आती थी, वुमेन आती थी, वो बहुत एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया करती थी। ये जो है धरना मार्च जो डिमोन्स्ट्रेशन वगैरह चलता था उसमें बहुत एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेशन किया करती थी। जब गांधी जी ने अपना दांडी मार्च निकाला था तो हजारों की संख्या में वुमेन अपने घरों से निकलती थी और गांधी जी के भाषणों को सुना करती थी, है ना। तो इस तरीके से उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव था ड्यूरिंग दी दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और गांधी जी ने तो यहां तक कहा था जैसे कि देश की सेवा करना उनके लिए एक सैक्रेड ड्यूटी है, उनके लिए एक बहुत ही पवित्र काम है अपने देश की सेवा करना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वुमेन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था इन दिस इंटायर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले उनका रोल बहुत ही पैसिव था। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो सोचती थी कि वुमेन का जो है मेन रोल जो है मेन काम जो है वो घरों को संभालना है, फैमिलीज को संभालना है, सपोर्ट कर रहा है ना। इसलिए वो ओनली फॉर द नेम्स सेक है ना, एक नाम के लिए बस वुमेन का पार्टिसिपेशन देती थी इससे पहले, है ना, कोई बड़े बड़े पदों को जो है वो वुमेन को नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से उनका रोल बहुत पैसिव था पहले, बट इन दिस पर्टिकुलर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट द रोल वॉज हाईली एक्टिव, बहुत 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 ज्यादा एक्टिव था
जब वुमेन की बात आई है तो मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा जो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ नॉलेज है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी और एनी बेसेंट फॉरेनर थी बाय द वे। और जो पहली महिला भारतीय प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी सरोजिनी नायडू, है ना, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और वो कब बनी थी, 1925 में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, डिसेंट हमने देख लिया, इंडस्ट्री हमने देख लिया, वुमेन हमने देख लिया। अब चलते हैं दो कम्युनिटीज के बारे में और हम बात करेंगे, एक है दलित और दूसरे है मुस्लिम्स। तो देखते हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट रहा था कि नहीं रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दलित्स के बारे में। तो यहां मैं लिख देता हूं दलित्स, ओके। तो आप ये बताइए कि दलित का जो परफॉर्मेंस है वो एक्टिव रहेगा कि पैसिव रहेगा, है ना। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे आप देख भी सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं मेरा बोलने का मतलब ये था कि मैं चाहता था कि आप पहले सोचो, है ना, कि दलित का जो है वो परफॉर्मेंस और जो पूरा जो उनका रोल रहेगा वो पैसिव रहेगा कि एक्टिव रहेगा, ठीक है। इससे आपका क्या है ना, थिंकिंग स्किल डेवलप होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जो हम किसी भी सिनारियो को पहले खुद हमें सोचना चाहिए कि इसका जो रिस्पॉन्स कैसे होगा, इससे क्या है ना, हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा मजा भी आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दलित का केस स्टडी। देखिए उस समय कांग्रेस पार्टी में जो अपर कास्ट थे ना, दलित्स को सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं, है ना। तो जो उस समय पूरे कांग्रेस पार्टी में किसका डोमिनेंस था, अपर कास्ट का, है ना। और इन अपर कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज को क्या कहा जाते हैं, सनातनिस। तो इन सनातनिस का जो है वो डोमिनेंस था इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कभी भी दलितों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं शो करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम दलित को इंक्लूड कर लेंगे इस पूरे मूवमेंट में तो कहीं सनातनी जो है वो नाराज ना हो जाए। इसलिए दलित्स वर साइडेड फ्रॉम दी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और दलित अपने आप को अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक बहुत ही अलग सा जो है वो पॉलिटिकल डिमांड करती थी, जिसे कहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट। आपने मुस्लिम लीग के केस में भी इसे देखा होगा, है ना। तो ये क्या डिमांड करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट, ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड बी आर अंबेडकर, है ना, जी ने किया था, कहां पर, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी से, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट था क्या, ये मैं आपको बताता हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया जहां से जो आपके लिए रिजर्व होगा और वहां से जो कैंडिडेट होगा वो आपकी ही कम्युनिटी से होगा, और जो वोटर्स होंगे ना वो भी सिर्फ आपकी ही कम्युनिटी से होंगे। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है और देश को डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है ना। इसीलिए गांधी जी ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, और इसकी वजह से गांधी जी ने आमरण अनशन भी कर दिया था, मतलब कि फास्ट अनटू डेथ, कि जब तक बी आर अम्बेडकर मेरी बातों को नहीं मानेंगे तब तक मैं ये भूख हड़ताल करता रहूंगा। और अल्टीमेटली बी आर अम्बेडकर जी ने माना गांधी जी की बातों को, और फिर गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट भी हुआ, एग्रीमेंट भी हुआ, जिसे कहते हैं पूना पैक्ट, है ना। तो देख लेते हैं पूना पैक्ट क्या है। तो यहां पर मैं बताता हूं आपको, ये हुआ था पूना पैक्ट, कब हुआ था, 1932 में, है ना। किनके बीच में हुआ था, तो ये याद रखिएगा, किनके बीच में हुआ था, ये गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, ठीक है, गांधी जी एंड अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, है ना। अम्बेडकर जी का डिमांड क्या था, इनका डिमांड था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। गांधी जी बोलते थे कि हम आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते क्योंकि इससे देश बढ़ सकता है ना। तो गांधी जी ने अम्बेडकर जी के सामने प्रपोजल रखा कि आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड छोड़ दीजिए, है ना, गिव अप कर दीजिए, हम आपको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज देंगे। तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब रिजर्वेशन, जिसमें आपके लिए ही एरिया रिजर्व होगा, लेकिन जो उसमें वोट करेंगे ना वो सभी कम्युनिटी के लोग वोट कर सकते थे। इसमें क्या था, सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग ही वोट कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें क्या होगा, हर कम्युनिटी के लोग जो है वो वोटिंग कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसमें लागू होगा, है ना।
तो ये गांधी जी ने प्रपोजल रखा और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ पॉलिटिकल यू नो पिक्चर तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो कि इनका पहले से ही डिमांड था वो, है ना। तो उनको गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो पैक्ट होता है ना, एग्रीमेंट होता है, उसे कहते हैं पूनर पैक्ट 1932। और यहीं से जो है वो रिजर्वेशन स्टार्ट होता है फॉर एससी, एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पूना पैक्ट ऑफ 1932, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अंबेडकर जी ने 1930 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट की थी, जिसे कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, है ना। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बना था, 1930 में। तो ये भी लिख लीजिएगा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन 1930 बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। तो इतना हमने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया, और यू नो इसके बाद में हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मुस्लिम्स का है ना, मुस्लिम्स। तो आप ये बताइए कि मुस्लिम्स ने जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा कि पैसिव पार्टिसिपेशन रहा होगा, है ना। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं कि यू नो मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही पैसिव था, और इसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं, है ना। अगर आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखा होगा तो उस समय हिंदू और मुस्लिम में जो यूनिटी थी वो बहुत 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 तगड़ी थी। इवन 1930 तक यू नो किसी ने नहीं सोचा था कि भारत का जो है वो पार्टीशन होगा आगे जाके, है ना। किसी ने नहीं सोचा था कि एक अलग देश पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। तो भारत में जो हिंदू एंड मुस्लिम्स की यूनिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होता है, वैसे ही यू नो हिंदू यू नो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग के बीच में जो डिफरेंसेस है ना वो बढ़ना यू नो चालू हो गया, और जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी थी ना उसमें थोड़ी दरार आनी चालू हो गई। और बाद में कई सारे यू नो रिलीजियस वायलेंस भी होते हैं, है ना, राइट्स भी होते हैं, दंगे फसाद भी होते हैं, और कुछ यू नो पर्सनल भी यू नो रीजंस थे, जैसे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि यू नो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते थे, वो हमेशा से डिमांड किए थे कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन जब यू नो बड़े बड़े लीडर्स ने उनको समझाया तो अंततः जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना मान गए थे, ओके ठीक है हम अपना सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड बॉयकॉट करते हैं आप हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे दीजिए। लेकिन ये जब उन्होंने अपना डिमांड यू नो हटाया तो यू नो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ और भी लीडर थे जैसे कि एम आर जयकर, है ना। तो एम आर जयकर हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करते थे और हिंदू महासभा का डोमिनेंस जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने स्पष्ट और क्लियर कह दिया कि हम आपको रिजर्वेशन तो क्या हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, है ना, ना तो सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, ना तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी देंगे, ना तो नॉर्मल रिजर्वेशन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। इसलिए जो यू नो मुस्लिम लीग प्लस जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको बहुत 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 ज्यादा चोट पहुंची, और इसीलिए फाइनली 1940 में यू नो ऑफिशियल तरीके से फ्रॉम लाहौर सेशन, है ना, मुस्लिम लीग डिमांड करती है सेपरेट यू नो कंट्री दैट विल बी नोन एज पाकिस्तान, है ना। और इस तरीके से जो है वो यू नो बीच पड़ा था पार्टीशन का। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस यू नो मुस्लिम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, एंड एट द यू नो इफ यू टॉक अबाउट द पर्सनल लेवल देन एम आर जयकर एंड यू नो मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनके बीच में जो है वो टसल और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता था, ठीक है। सो आई होप ये मुस्लिम्स का भी जो है वो आपको केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यू नो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पीजेंट्स पुअर पीजेंट्स जो है वो थोड़े से वॉयलेंट एक्टिविटीज पर इन्वॉल्व हो जाते थे, वर्कर्स उतने ज्यादा तरीके से यू नो पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे थे एक्टिव तरीके से। यहाँ पर जो है वुमेन बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट तो कर रहे थे लेकिन इनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा था उतना जितना इनको मिलना चाहिए था। दलित्स ने अपने आप को अलग कर लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने। मुस्लिम्स ने भी अपने रीजंस की वजह से, अपने यू नो प्रॉब्लम्स की वजह से, उनको ये लगता था मुस्लिम्स को कि अभी तक हमारे ऊपर में ब्रिटिशर्स डोमिनेट करते आए हैं, एंड आफ्टर दिस एंटायर मूवमेंट हु विल डोमिनेट ऑन अस, द हिंदू नेशनलिस्ट, जो कि हिंदू महासभा है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो हिंदू नेशनलिस्ट है
वो उनके ऊपर में डोमिनेंस करेंगे, है ना, डोमिनेट करेंगे उनको। तो इस तरीके से उनको इनसिक्योरिटी हो गई थी, तो इसीलिए वो उन्होंने भी उतने यू नो एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं किया इन दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसके अलावा और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि गांधी जी ने जो अटेंड किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो यू नो सक्सेसफुल नहीं रहा, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज अनसक्सेसफुल, है ना। और जो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 1932 टू 1934, तो इनका जितना भी प्रॉमिस था वो तो फुलफिल हुआ ही नहीं था फर्स्ट फेज में, तो इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इस वजह से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यू नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल, द सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी ऑल्सो यू नो अनसक्सेसफुल ड्यू टू लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल। तो ये जो है पूरा आपका यू नो टॉपिक है दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। अब हम जो नेक्स्ट यू नो क्लास में समझेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो कि इस पूरे यू नो चैप्टर का 6वां पार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें से भी डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है ना। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।